सबसे पहले मिस्टेक्स होती है एक सेल्स पर्सन की जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो पर्सनालिटी सेल्स पर्सन अपनी बना नहीं पाता है कस्टमर के सामने। और दो तरीके की पर्सनालिटी होती है, एक कपड़ों वाली जो हम दिखते हैं और एक तो दिखने में तो हम बढ़िया हो जाते हैं लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो जबरदस्ती गिरनी स्टार्ट होती है। और कई बार ये चीज हमने देखी उसका रीजन भी क्या होता है कि कस्टमर के सामने हमें क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है हमें पता ही नहीं होता है कि शुरू कहां करूं खत्म कहां करूं, ये रीजन। सेकंड चीज जो गलती होती है हम प्रॉपर ढंग से सिटिंग नहीं कर पाते हैं या प्रॉपर ढंग से हम खड़े नहीं रह पाते। हम जब कस्टमर अपने सामने आकर बैठा होता है तो हम किस तरीके से खड़े होते हैं बोल सोच हुई आप। कई बार एक लोगों के पैर में पता नहीं क्या होता है तो एक साइड ही पैर लेकर खड़े बोलो मैं सुन तो जब आप कस्टमर के सामने आ रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कस्टमर को बॉडी लैंग्वेज के थ्रू क्या भेज रहे हो। तो एक चीज होती है कि आप ऑर्डर दे रहे हो और दूसरी चीज होती है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो कई लोग ऑर्डर करते हैं बोलो ने साहब सोच वही है तो कई लोग रिक्वेस्ट से बात करते तो दोनों टोन में फर्क होता है वो कई बार हमारी गलती हो जाती है हमें पता नहीं होता हमारी होती है वो होती है लैंग्वेजेस। हम गांव में रहने वाले हैं हम गांव से आए हैं तो हम ये सुनते हैं कि सारे अपने गांव वाले ही हैं तो हमारा टोन भी गांव वाला ही होता है पर हम सबको अपने गांव वाले लैंग्वेज में ही बात करते गैप जो मजा आता तो अब सामने वाला कस्टमर जो है वो सिटी में रहा है उसने प्रोफेशनली जगह से एजुकेशन लिया हुआ है वो रेपुटेड घर से आ रहा है वो चाहता है कि मैं अच्छे ब्रांडेड शोरूम में गया हूँ तो वहां पर वो लैंग्वेज मुझे मिले। अब उस लैंग्वेज में जब उनके साथ बात नहीं होती है तो वो बताएंगे कि प्रॉब्लम नहीं होती समझना प्रीमाइसिस में भी प्रॉब्लम नहीं होती प्रॉब्लम खाली एक जगह होती और वहां पर चीजें बिगड़ जाती है। सामने एज अ सेल्स पर्सन उसके ऊपर बात करेंगे हम ट्राई करने चालू हो जाते हैं बेचने की बेचने की बेचने की और उसमें हम भूल जाते हैं कि कस्टमर की नीड को भी समझना है। तो कई बार सेल्स पर्सन की ये गलती हो जाती है वो पुश सेल करता है। पुश सेल का मतलब क्या कैसे भी करके आप बेच ही डाल मेरा इंसेंटिव बन गया तो वो इंसेंटिव बनाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम कस्टमर को हेल्प करने के लिए आए हैं और हमें कस्टमर को मदद करना है बेचने के लिए। एक सिंपल सी चीज आपको बता दूं कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा हमारे शोरूम को बनाने में अच्छा खासा हुआ होगा प्रीमाइसेस भी बढ़िया है ऑर्नामेंट्स भी हमारे बढ़िया है पर एक भी प्रोडक्ट हमारी ऐसी लगती है कि जिसमें कोई कमी हो। तो सवाल ये है कि सब कुछ होने के अलावा आपको यहाँ पर क्यों रखा क्योंकि रिटेल में जब हम जाते हैं तो हम खुद भी लेकर यहाँ से जा सकते हैं ना वैसा वाला भी सेटअप कर ही सकते हैं लेकिन फिर भी हम क्यों यहाँ पर। तो हमें यह समझना है हम प्रोडक्ट बेचने के लिए सेल्स में नहीं है। कई लोगों की यह गलती होती है कि भाई हमारे बेचवा कुछ है तो सेल्स मान हम सेल्स में इसलिए है कि कस्टमर को हम कंसल्ट करें उसको हम गाइड करें कि उसको क्या चाहिए और उसको बेस्ट चीज हम क्या क्लियर। जो कस्टमर्स के सामने हमारी होती है वो रहती है कस्टमर को लेकर एक माइंडसेट बना हुआ है बहुत सारे सेल्स पर्सन मैंने ब्रैकेट में लिखा है थोड़ा लाउड भी पढ़ना
कस्टमर का मतलब क्या? कस्टमर का मतलब क्या? तो कई लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि कस्टमर का मतलब ये होता है उसको कष्ट करके मारो, उसको परेशान कर। और कई बार ये चीज होती भी है, भले हम अंदर से नहीं बोल रहे हैं, हम दिमाग से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कई बार हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कस्टमर बोल रहा है और होता, हम बता रहे हैं कस्टमर बोल रहा है और होता, हम बता रहे हैं कस्टमर बोल रहा है और होता है। फिर कई बार ये चीज भी होती है, घर से जब हम निकले हुए होते हैं तो घर में कोई दिक्कत होगी, उसका फ्रस्ट्रेशन अपने माइंड में बना हुआ होता है और हम वेट कर रहे होते हैं कि किसके ऊपर निकाल, और तभी कस्टमर आता है, बोला ना सिचुएशन होता है, जा रही हो गई आगा थी जो, और वो दिख जाता है सामने वाला, पता चल जा, बोलेगा आगे बात करते। और ये है कि प्रॉपर ढंग से हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते कस्टमर, तो ट्रीटमेंट का मतलब हमने पहले ही बोला कस्टमर कौन है, इंजीनियर, उसकी ट्रीटमेंट की टीम वाले होनी चाहिए। कई बार हम प्रोडक्ट को बेच देते हैं लेकिन पानी चाय कॉफी जूस सारी चीजें रह जाती, क्योंकि हमें तो जोन में आ गए होते हैं कि हमें बेचना है, और जब क्राउड बढ़ता है वहां पर चैलेंजेस बढ़ती है, क्राउड कम होता है तब सारी चीजें होती है। तो दोनों ढंग से हमें सोचना है, जब 50 लोग एक साथ आए तो उनको भी वो सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और 500 लोग एक साथ आए तो भी उनको सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए, तो वो हमारा मेंटेन होना जरूरी है। जब क्राउड बढ़ता है और आज बुधवार का दिन मेरे ख्याल से आज बढ़ेगा, है ना, हम कई बार खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और कस्टमर को भी कंफ्यूज कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाने में, और लास्ट में कस्टमर कंफ्यूज होके निकल जाते, जबकि हमारा काम होता है उसको सपोर्ट करना कि उसको जो चाहिए वो चीज उसको दिलाए, क्या फिर और एक कस्टमर को हम अच्छी ट्रीटमेंट दे देते हैं, लेकिन एक के साथ जब दो आ जाते हैं तो ट्रीटमेंट हम दे नहीं पाते, दो की जगह जब तीन आ जाते हैं तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, और ज्यादा लोग आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर आना स्टार्ट होता है कि हम सबको कैसे संभालें। तो एज अ सेल्स पर्सन आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी जरूरी होनी चाहिए कि कौन वहां पर डिसीजन लेने वाला है, कौन वहां पर बैठने वाला है, और कौन वहां पर अप्रोच करने वाला है कि आपको ये चीज चाहिए, आपको ये देना चाहिए, सजेशन करने वाला, वो क्लियर पता होना चाहिए। सो क्लियर हो गए, एक सेल्स पर्सन को कौन सी चीजों का नॉलेज लेना जरूरी है। सो कोई मुझे बताएगा एक सेल्स पर्सन के पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? तो एक सेल्स पर्सन को नॉलेज होना चाहिए मिनिमम 5 चीजों के बारे में। सबसे पहले कस्टमर को नॉलेज होना चाहिए, कस्टमर के सामने से सेल्स पर्सन को कंपनी नॉलेज, दूसरा नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज, तीसरा नॉलेज होना चाहिए प्राइस नॉलेज, चौथा होना चाहिए कस्टमर नॉलेज, पांचवा होना चाहिए प्रोफेशनली या एटिकेट्स हमें मेंटेन करने हैं उस चीजों का, और ये 5 नॉलेज जो है उसके अंदर एक सेल्फ पर्सन जो है वो अपनी नींव रखता है और आगे ग्रो, जिसमें सबसे पहला आता है कंपनी नॉलेज, हमारी कितनी ब्रांचेस है, हमारी कौन सी ब्रांड है, हमारी टीम की ताकत क्या है, और सबसे बड़ा हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से, मतलब कितने डिपार्टमेंट हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए।